अगर डर लगा होता तो मैं कभी भी कास्टिंग कपिल शर्मा की करती नहीं, कोई डर नहीं था। और अब मैं इतने लोगों को प्रमोशंस में मिल रही हूँ और अब मुझे पता चल रहा है कि वो कितने बड़े कॉमेडियन हैं और लोग उनको, जैसे आपने कहा, कि पूछते हैं, यू नो, तो ये सही बात है। पर शायद मैं उन चीज़ों से फ्री हो गई थी क्योंकि मुझे उनके बारे में, मतलब, इतना पता था कि बहुत पॉपुलर हैं और बड़े कॉमेडियन हैं, पर मैंने उनका शो कभी नहीं देखा था, तो इसलिए मुझे उनके बारे में वो सब छवि का बोझ नहीं था मेरे मन में। मैंने सिर्फ उनकी एक क्लिप देखी पहली बार जिंदगी में, छोटी सी, एक करण जौहर के साथ वो कुछ अवार्ड फंक्शन को प्रेजेंट कर रहे थे, तो वो उसकी एक छोटी सी क्लिप कहीं आ गई और मैंने ऐसी देख ली। मैंने कहा, यार, ये आदमी तो कुछ है इनमें, तो बहुत ही नेचुरल भी है, सिर्फ फनी नहीं है, कुछ एक नेचुरल और एक कुछ सच्चाई है इनमें, यू नो, और बहुत जुड़े हुए आम आदमी की तरह बात करते हैं, जबकि वो अब आम आदमी रहे नहीं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो लगता है कि हाँ यार, ये तो आदमी सच बोल रहा है। तो मैंने ऐसे ही अपने कास्टिंग डायरेक्टर को मैसेज किया कि ज़रा कपिल शर्मा का नंबर दिलवाओ, तो वो भी मेरे पे चढ़ गए, क्या कपिल शर्मा आप बात कर रहे हैं, वो तो कॉमेडियन है, आप तो कुछ देखती नहीं है, आपको पता नहीं है। तो मैंने कहा, बात तो कराओ। मैंने उनसे बात, उनको मैसेज किया, फट से उनका जवाब भी आया, उनसे मिली, और मैंने कहा, देखिए, मुझे पता नहीं कि आप इसके लिए सही हैं या नहीं, पर मैं मिलना चाह रही थी, और मुझे नहीं मालूम कि आपको भी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि आप तो बहुत बड़े कॉमिक स्टार हैं और ये वो। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ अलग करने का बल्कि मन है। और मैं, उन्होंने कहा, जब आपका फ़ोन आया तभी मैंने सोच लिया था 50% कि मैं तो हाँ बोलूँगा, कुछ भी होगा तब भी हाँ बोलूँगा। तो बस हमारी एकदम, जो कहते हैं ना, इंस्टेंट एक केमिस्ट्री, ऐसे देखने में लगता है कि मैं बहुत सीरियस और बिल्कुल, मतलब, गंभीर टाइप हूँ और वो बड़े हंसाने वाले हैं, लेकिन हम दोनों में दोनों चीज़ें हैं। ये क्या होता है कि लोगों को लेबल कर दिया जाता है, फिर आप उसी रंग में देखते रहते हैं। ये फिल्म क्योंकि हमारे आसपास के माहौल के बारे में है, ऐसे इतने सारे अनगिनत लोग हैं जिनके जिनकी जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता है और उनकी ज़िंदगियों के बारे में कुछ नहीं पता, और हम अपने प्रॉब्लम्स और अपनी ज़िंदगी में इतने उलझे हैं कि जो लोग हमारी मदद का, हमारी लाइफ को आसान बना रहे हैं, उनके बारे में हम सोचने के लिए 1 घंटा 45 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। तो बस उनकी कहानी देखेंगे तो शायद आप ये सारी चीज़ें से परे हटके एक कहानी में घुस जाएंगे।